नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। दिल्ली की शराब नीति को लेकर चल रही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच से दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि बीते दो दिनों में जांच एजेंसियों की तरफ से शराब नीति को लेकर बहुत तेजी से कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर शुरुआत से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि इसके तहत दिल्ली सरकार ने बड़ा घोटाला किया है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास आबकारी विभाग भी है, को इस पूरे मामले का आरोपी बताया जा रहा था। लेकिन अब जांच एजेंसियों ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए 27 और 28 सितंबर को दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस पूरे मामले में 27 सितंबर को आप नेता विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं 28 सितंबर को इंडो स्प्रिट के एमडी समीर महेंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया। इन दोनों ही आरोपियों के नाम एफआईआर में शामिल है। विजय नायर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद उन्हें कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्रू इंडो स्प्रिट नाम कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर है। पूछताछ के बाद महेंद्रू को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया। हालांकि विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद से सियासत काफी गर्मा गई है और आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले पर हमलावर रुख अपनाते हुए इसे विपक्ष की साजिश बताया है। विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार भी उनके समर्थन में उतर आई है। वो कह रही है कि विजय नायर सिर्फ एक कार्यकर्ता है और उनका शराब नीति से कोई लेना देना नहीं है। ये सब आपकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए विपक्ष की रणनीति है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से दावा किया है कि अगले हफ्ते एक दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। विजय नायर की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर सिर्फ एक कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी का कम्युनिकेशन का काम देखता है। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, चलिए आपको सुनाते हैं। जो कार्रवाई हुई है उसके सवाल हम पूछना चाहेंगे, आपने बयान भी जारी किया, किस तरह से इसे देख रहे हैं जो विजय नायर का विजय नायर की गिरफ्तारी के मामले? मेरे को एक्चुअली ये समझ नहीं आ रहा कि उनको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। वो एक छोटा सा कार्यकर्ता है हमारा, सोशल मीडिया संभालता है, कम्युनिकेशन संभालता है। पहले उसने पंजाब का कम्युनिकेशन संभाला, पंजाब हम लोग जीत गए। फिर आजकल वो गुजरात का कम्युनिकेशन देख रहा था, गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था। सो उसको गिरफ्तार कर लिया कि वो शराब, दिल्ली के कोई शराब घोटाले में शामिल है। उसका दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? वो पिछले 4-5 दिन से उसको बुला भी रहे थे और कह रहे थे ज़बरदस्ती मनीष सिसोदिया जी का नाम लो, मनीष सिसोदिया जी का नाम लो। अब मनीष सिसोदिया जी के घर इन्होंने रेड कर ली, उसमें कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जी का बैंक लॉकर देख लिया, उसमें कुछ नहीं मिला। अब वो ज़बरदस्ती करके लोगों से झूठी बयानबाजी करा के मनीष सिसोदिया को इस तरह से फंसाना चाहते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। एक हम देख रहे हैं कि जिस तरह का पूरा माहौल है, इनका पूरा एफर्ट है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को कुचला जाए। दिल्ली जीत गए, पंजाब जीत गए, अब गुजरात के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त माहौल है। तो अब इनकी पूरी, इन लोगों की प्रयास ये है कि कुछ भी करके आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। तो विजय नायर को जो गिरफ्तार किया है, हमारी तो बिल्कुल समझ के बाहर है। इसलिए नहीं गिरफ्तार किया कि उसने कुछ गड़बड़ किया, इसलिए किया कि वो गुजरात का हमारा कम्युनिकेशन देख रहा था। हाँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे जिस तरह से ये ज़बरदस्ती लोगों से कुछ कुछ बुलवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में अभी मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लेंगे। असर पड़ेगा मनोबल पे कार्यकर्ताओं के विजय नायर के अरेस्टिंग से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, और कोई मनोबल पे असर नहीं पड़ेगा। उल्टे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि और जम के लड़ना है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान दांव पे लगाने के लिए तैयार है देश के लिए। हमारी पार्टी आंदोलन से निकली है, देशभक्ति के आंदोलन से निकली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो विजय नायर की जो गिरफ्तारी है उससे तो कार्यकर्ताओं में और ज़्यादा जोश है कि हम और अच्छे से लड़ेंगे, और ये जो ताकतें हैं देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। तो आपने देखा किस तरह से केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता ये मानने को तैयार ही नहीं है कि शराब नीति में कोई घोटाला हुआ है। उनकी तरफ से इसे बार बार आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए फर्जी केस करार दिया जा रहा है।
साथ ही अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक दावा कर दिया कि अगले हफ्ते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा। आपकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से ही उनको फंसाया जा रहा है। बहरहाल अब शराब नीति से जुड़े इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों की तरफ से आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं और किस किस पर शिकंजा कसा जाता है, ये देखना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ।